हेलो गाइस, सवाल है एक इकोसिस्टम में अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ध्यान देना लिखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कितनी है, हमें गिवन है 100x, तो हमें एनपीपी लिख लेंगे। एनपीपी कौन से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन कितनी गिवन है 100x। ठीक, हमें बतानी कि जीपीपी क्या होगी थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर जीपीपी क्या होगी वो हमें बताना है। तो एनपीपी होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जीपीपी में से रेस्पिरेशन लॉसेस अगर निकाल दिए जाएं तो जो बचती है वो होती है एनपीपी। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो हमसे पूछा कि जीपीपी थर्ड टॉपिक लेवल पर क्या होगी, तो जीपीपी हमें बतानी थर्ड पर बराबर कितनी हो जाएगी एनपीपी फर्स्ट टॉपिक लेवल की जो एनपीपी है वो, और इसको डिवाइड कर देंगे कितनी एनर्जी इफिशियंसी है ट्रांसफर की, यानी कि किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो इफिशियंसी लिखेंगे। तो 10% एनर्जी लॉस अभी नहीं पड़ा, कितनी इफिशियंसी रहती कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर, तो अपॉन में आ जाएगा 10। अब कर लीजिए सॉल्व, वैल्यू रखिए, देखिए 100x एनपीपी की वैल्यू हो गई ये, अपॉन में 10 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड मैं आपको ऐसे बताता हूँ। इस तरह से कोई मान लीजिए ट्रॉपिक लेवल है बने हुए, ठीक, ये कौन सा ट्रॉपिक लेवल है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड, मैं ऐसे वैल्यू भी रखता जा रहा हूँ सेकंड, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल। हमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर एनपीपी गिवन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसका मतलब क्या होता है कि वो एनर्जी जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर जा सकती है, इसका मतलब ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की हमें एनर्जी गिवन है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी गिवन है, यही तो अनुमान लगाएंगे हम। अनुमान क्या सच ही है ये बात, अब सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर इतनी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमें गिवन है, अब जब आगे बढ़ेंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर तो कितनी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रह जाएगी वो हमें बतानी है। तो यहाँ से जो रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करके जितनी एनर्जी बचेगी वो थर्ड पे पहुंच जाएगी, वही हो जाएगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 10% लॉस से सभी लोग जानते हैं कि 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर हो पाती है, क्या करेंगे इसको 10 से कर दो डिवाइड, जब 10 से डिवाइड करेंगे 10% निकालनी है ना, तो 10x बचेगी वो बन जाएगी थर्ड ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी। एक मेथड ये है, आप लोग डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। थैंक यू।